तो दोस्तों आज इस वीडियो को करते हुए मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि पूछो मत। क्यों? क्योंकि ये हमारे चैनल का पहला अनबॉक्सिंग का वीडियो है गाइस। जी हाँ, पहला अनबॉक्सिंग होगा, लेकिन ज़्यादा बड़ी कुछ चीज़ों का नहीं होगा, एक छोटी सी चीज़ का होगा, और वो ये है एक हेडफोन जिसका नाम है बोट की तरफ से बोट रॉकर्स 255 प्रो वाला वर्शन, और इसका हम करेंगे अनबॉक्सिंग, देंगे मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन। वैसे ये मेरा फर्स्ट अनबॉक्सिंग का वीडियो है, तो अगर कुछ गलती वलती हो जाए मेरे से तो मेरे को अपना छोटा भाई बड़ा भाई या फिर जो भी समझना है समाज के माफ़ कर देना और थोड़ा सा सपोर्ट करना, ताकि हम ऐसी अनबॉक्सिंग ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। सो दोस्तों डोंट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों आपको कुछ इस टाइप का बॉक्स आपको मिलता है, ठीक है। ऊपर देख सकते हो यहाँ पे लिखा है बोट स्पोर्ट्स, यहाँ पे मुंबई इंडियंस का एक बड़ा सा लोगो है और नीचे लिखा है रॉकर्स 255, ठीक है। तो अभी इसको जल्दी से ओपन करते हैं। ओपन करते ही सबसे पहले ये हेडफोन, ठीक है, जो काफ़ी कूल लग रहा है देखने में। वैसे ही मुंबई इंडियंस वाला है, बहुत सारे कलर ऑप्शन के साथ आते हैं और आईपीएल वर्शन भी लिमिटेड स्टॉक है। ये आप अगर चाहो तो ले सकते हो आईपीएल वाला वर्शन, ठीक है, या फिर आपको नॉर्मल कलर पसंद है तो नॉर्मल कलर भी ले सकते हो, ब्लैक ब्लू बहुत सारे कलर ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये है कुछ हेडफोन, ठीक है, यहाँ पर गोल्डन कलर की हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसको रखते हैं साइड में और देख लेते हैं बाकी एक्सेसरीज क्या क्या है इसमें। खोलते ही सबसे पहले यहाँ पर आता है आपको एक यूज़र मैनुअल जो बेकार है, किसी के काम का नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं और एक जो CSK के लोगों के साथ है, ये भी कोई काम का नहीं है, ठीक है। हाँ, ये काम का है, ये एक वारंटी कार्ड है, जैसे कि आप देख सकते हो 1 साल तक आपको इसको काफ़ी ध्यान से रखना पड़ेगा, अगर कुछ ख़राब वराब हो जाए तो ये आपको बचा लेगा, फ्री है ये। अब देखते हैं ये बड़ा कमाल का चीज़ है, ये है आपका चार्जर जो USB Type-A है और काफ़ी रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन है, काफ़ी कूल लग रहा है दिखने में। और ये है कुछ एयर डिप्स, एक बड़ा वाला पेयर है और एक छोटा वाला पेयर है, आपको जो मर्जी आप लगवा सकते हो यहाँ पे। तो आप फिलहाल आते हैं हेडफोन पे, ठीक है। देख सकते हो बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करूँ दोस्तों, तो बिल्ड क्वालिटी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा इसका। और यहाँ पर आपको एयर हुक्स भी मिलता है, जिसको एयर हुक्स पसंद है वो तो इसको बहुत पसंद आने वाला है, और बहुत सारे लोगों का एयर हुक्स पसंद नहीं है तो आप इसको ओपन भी कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है। और यहाँ पर आपको 3 बटन दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि देख सकते हो ये जो दोनों बटन हैं ये आपको वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए यूज़ होगा, और जो मिडिल का है ये आपको सॉन्ग प्ले पॉज करने के लिए यूज़ होगा या फिर कॉल रिसीव करने के लिए यूज़ होगा, ठीक है। और केबल की अगर बात करूँ तो यहाँ पे फ्लैट केबल आपको मिल जाती है, जो काफ़ी अच्छा सा है, अच्छा केबल है। दोस्तों ये जो चीज़ है ये मैग्नेटिक लॉक है, ठीक है, ये आप लॉक कर सकते हो मैग्नेटिकली। और ये जो दोनों पार्ट है ये मिडल का पार्ट है, साथ ही साथ बात करते हैं इसके और बाकी ये पोर्शन है, ये पूरा का पूरा प्लास्टिक बेल्ट है दोस्तों। ब्लूटूथ वर्जन 4.1 के साथ ये आता है, साथ ही साथ IP रेटिंग इसमें IPX5 का रेटिंग दिया हुआ है। साथ ही साथ बात करते हैं और अच्छी एक चीज़ों के बारे में, यहाँ पे आपको सुपर बेस वाला ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं 10mm के ड्राइवर्स के साथ, तो जो लोग बेस लवर्स हैं उनके लिए बड़ी कमाल की एक नेक बैंड हो सकते हैं। और दोस्तों बैटरी की बात करें तो 110mAh की बैटरी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, साथ ही साथ 5 से 6 घंटे तक ये आराम से आपको काम चला देता है, ये कंपनी वालों का कहना है। वैसे कुछ दिन बाद हम इसको दोबारा से आपको बताएंगे कि 1-1.5 महीने बाद या फिर 15-20 दिन बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये असल में कितना टाइम आपको प्रोड्यूस करता है जब आप पूरा टाइम गाना सुनते हो। साथ ही साथ एक ख़ास चीज़ों के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे आपको एक अच्छी सपोर्ट देखने को मिल जाती है, जो सपोर्ट है ड्यूल डिवाइस पे आप इसको कनेक्ट कर सकते हो एट ए टाइम, जो काफ़ी कमाल की एक स्पेसिफिकेशन मेरे को लगा। तो दोस्तों जैसे कि बोला गया है कि ये सुपर एक्स्ट्रा बेस के साथ आता है और 10mm का ड्राइवर साइज यहाँ पे आपको दे रखा है, तो हम फिलहाल चेक करते हैं इसका साउंड क्वालिटी असल में कैसा होने वाला है। दोस्तों मैं इसको लगवा लेता हूँ, यहाँ पे एक
तो दोस्तों काफ़ी कमाल का ये है, आप अच्छा सुन लो अगर आप सुन पाते हो तो। तो मेरे को ये काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है। तो अब आता है थोड़ा सा बुराई करने का समय, ठीक है। बुराई क्या, इसमें मेरे को दो कमियां जो मेरे को लगी, दो मेजर कमियां। पहला है कि ये देख सकते हो फिलहाल मैं मैग्नेटिकली इसको लॉक कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी गाना बज रहा है, सुन सकते हो गाना बज रहा है। लेकिन दूसरे में क्या होता है, जैसे ये एक मेरे पास है बुलेट जेड वन प्लस का है, तो इसमें अगर आप इसको लॉक कर देते हो तो ये गाना बंद हो जाता है, लेकिन ये सिस्टम इधर नहीं की गई, ये आपको मैनुअली बंद करना पड़ेगा। दूसरा यही है कि यहाँ पर आपको ब्लूटूथ वर्जन 4.1 देखने को मिलता है, जो बेसिकली अगर 5 होता तो अच्छा होता, लेकिन 4.1 कम है। वैसे अगर IPL वाला आप नहीं लेंगे तो अगर आप नॉर्मल वाला लेंगे तो आपको ब्लूटूथ वर्जन 5 का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, अगर आप IPL वाला लेते हो तो आपको 4.1 का वर्जन चाहिए, ठीक है। तो ये दो कमियां जो मेरे को लगी, अदरवाइज 1300 रुपये के अंदर अंदर ये बहुत अच्छा एक नेकबैंड है। अगर आपको ये दोनों कमियां जो है, अगर आप इसको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर सकते हो तो आप ये ज़रूर ले सकते हो, बहुत अच्छा है, ठीक है। अभी आप फिलहाल कमेंट करते हुए नीचे जाइए कमेंट सेक्शन में और आप बताइए कि आपको ये नेकबैंड कैसा लगा, कैसा लगा मेरा पहली अनबॉक्सिंग का वीडियो। आई होप थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, हाँ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा होगा शायद, थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिल जाएगा अगला अनबॉक्सिंग करते वक्त, ठीक है, या फिर अगला वीडियो करते वक्त। तो दोस्तों शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो फिलहाल आप अभी जाके सब्सक्राइब कर लेना, और मैं आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो में नए कोई टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्टे होम, स्टे सेफ। Thank you.